आर के नारायण की वेंडर ऑफ स्वीट्स 1967। श्री के वी जगन नाम के एक काल्पनिक चरित्र की जीवनी है जो मालगुडी, एक काल्पनिक भारतीय शहर का एक मिठाई विक्रेता है। अपने मुग्ध बेटे के साथ उनका संघर्ष और वह अंत में त्याग के लिए कैसे निकलता है, उसके जीवन के सरासर दबाव और एकरसता से अभिभूत होकर कहानी में खूबसूरती झलकती है। उपन्यास मुख्य रूप से पिता और पुत्र के संबंधों के बारे में है। जगन, जिनकी पत्नी की मृत्यु हो गई जब उनका बेटा एक युवा लड़का था, वह लगातार अपने बेटे के साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है, लेकिन संचार में अपने स्वयं के पिछड़ेपन के कारण बुरी तरह से विफल हो जाता है। इस पुस्तक में व्यक्ति का अन्य प्रमुख विषय भारतीय और पश्चिमी संस्कृतियों का टकराव है। जगन मालगुडी में रहते हैं और भारतीय संस्कृति और परंपराओं का पालन करते हैं। दूसरी ओर माली पश्चिमी संस्कृति से पूरी तरह प्रभावित होकर भारत आता है। सारांश, जगन एक 55 वर्षीय मिठाई विक्रेता, एक सफल व्यवसायी, महात्मा गांधी का अनुयायी और काल्पनिक उपनगर मालगुडी, भारत का एक ईमानदार, मेहनती और विनम्र निवासी है। अपनी युवावस्था में वे महात्मा गांधी से गहरे प्रभावित थे और ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष में एक सक्रिय सदस्य बनने के लिए अपनी पढ़ाई और अपने शांतिपूर्ण जीवन को छोड़ दिया। भगवद गीता उनके जीवन का मूल आधार है। वह महान महाकाव्य में वर्णित सिद्धांतों पर कार्य करने की कोशिश करता है। प्राकृतिक चिकित्सा उनके जीवन का आधार बनती है और यहाँ तक कि वह अपने जीवन जीने के प्राकृतिक तरीके को एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित करना चाहते हैं, लेकिन यह स्पष्ट हो जाता है कि यह एक निरर्थक सपना है क्योंकि मसौदा स्थानीय प्रिंटर के कार्यालय में धूल इकट्ठा कर रहा है। नटराज, पिछले 5 वर्षों से जगन ने हाथ से काटा हुआ कपड़ा पहन लिया जो उसे पवित्रता का संकेत देता है, और वह गांधी द्वारा खुद इसके लिए प्रशंसा की गई है। अपने शुरुआती दिनों में जगन की पत्नी अंबिका एक ब्रेन ट्यूमर से मर जाती है और अपने इकलौते बेटे माली की देखभाल करने के लिए उसे छोड़ देती है। माली धीरे धीरे जगन द्वारा खराब कर दिया जाता है और अपने बेटे के जीवन के प्रति उसका मातृ जुनून होता है। बाद में अपने कॉलेज के दिनों में माली शिक्षा के लिए अपनी गहरी नापसंदगी प्रदर्शित करता है और कहता है कि वह एक लेखक बनना चाहता है, जिसे जगन पहले एक लिपिक व्यवसाय के रूप में व्याख्या करता है। बाद में माली ने क्रिएटिव राइटिंग का अध्ययन करने के लिए अमेरिका जाने का फैसला किया। वह जगन को अपनी योजनाओं के बारे में बताए बिना ही अपना पासपोर्ट और टिकट तैयार कर लेता है, लेकिन जगन इस मोड़ को अच्छे दिल से स्वीकार करता है और माली से प्राप्त हर पत्र को खुशी से पेश करता है और गर्व से इसे किसी को भी दिखाता है जिसे वह अपनी दैनिक गतिविधियों में मिला था। कुछ साल बाद माली मालगुडी में वापस आ जाता है और पश्चिमी हो जाता है और एक आधी अमेरिकी आधी कोरियाई लड़की ग्रेस के साथ आता है, जिसका दावा है कि माली उसकी पत्नी है। जगन ने माना कि उनकी शादी सामाजिक मानदंडों और मानकों के अनुसार हुई है, लेकिन यह भी पता चलता है कि उनके साथ माली का रिश्ता और भी बिगड़ गया है। हालांकि जगन अनुग्रह के लिए एक स्नेह विकसित करता है और महसूस करता है कि माली उसे वह ध्यान नहीं दे रहा है जिसके वह हकदार है। जल्द ही माली ने अमेरिका के कुछ नाम व्यापारिक भागीदारों के सहयोग से मशीन फैक्ट्री शुरू करने की अपनी भव्य योजना को व्यक्त किया। वह अपने पिता से इस कारखाने में निवेश करने के लिए कहता है, लेकिन जगन इस उद्यम की वित्तीय अवसंरचना प्रदान करने के लिए तैयार नहीं है, जिससे जगन और माली के बीच अधिक घर्षण होता है। इस उथला पुथल से परेशान जगन सक्रिय कामकाज से रिटायर होने का फैसला करता है। क्षेत्र के शीर्ष व्यवसायियों के साथ एक अप्रत्याशित बैठक के माध्यम से जगन दाढ़ी वाले आदमी में आता है, एक विलक्षण हेयर ड्रेसर जिसकी वाक्पटुता से जगन अपने सुस्त और नीरस जीवन पर चिंतन करता है। वह अपने जीवन से त्याग की इच्छा विकसित करना शुरू कर देता है और अचानक अपने परिवार और अपनी पत्नी के साथ अपने खुशहाल अतीत की याद में गिर जाता है।
जो सामंजस्य की उसकी आवश्यकता को और मजबूत करता है, जैसा कि ऐसा होता है। माली को पुलिस ने शराब के प्रभाव में गाड़ी चलाने और उसकी पत्नी को गिरफ्तार करने के लिए पकड़ा है। इसके बाद जगन अपने चचेरे भाई को यह सुनिश्चित करने के लिए कहता है कि माली कुछ समय के लिए जेल में रहे, ताकि वह अपनी गलतियों को सीख सके। जगन भी चचेरे भाई को एक चेक लिखता है ताकि वह ग्रेस को एक हवाई जहाज का टिकट खरीद सके ताकि वह अपनी मातृभूमि पर वापस जा सके। सारांश का अंत। धन्यवाद।